आइए अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. तो हमें पता है कि सेल कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, सेल के पास सेल के पार्ट्स हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. इफ वी सी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल. हमें अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें सेल को तो हमें उसके अंदर ये फीचर्स लगभग लगभग सारे सेल्स में देखने को मिलेंगे. वो कौन से फीचर हैं जो सारे सेल्स में देखने को मिलेंगे आपको? आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना. आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो आपको कोई भी सेल हो धरती पर उसमें आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर सेल वॉल का नाम क्यों नहीं लिया गया है? सेल वॉल का नाम इसलिए नहीं लिया गया है बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल्स, सेल वॉल इज फाउंड इन बैक्टीरिया, ठीक है. सेल वॉल इज फाउंड इन फंजाई, बट सेल वॉल आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा. तो इसलिए हर सेल की जब बात करोगे, है ना, तो फिर ये आपको सेल वॉल का नाम हटाना पड़ेगा. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सब में, एवरी सेल में मिलेगा आपको. सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है ना. अगर हम इसका सेल का ही स्ट्रक्चर अगर हम बनाने लग जाएं तो सपोज दिस इज अ सेल, है ना. तो एनिमल सेल ले लेते हैं, ठीक है. तो अगर एनिमल सेल देखोगे तो सबसे बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. उसके बाद फिर क्या है अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म पूरा, ठीक है ना. ये साइटोप्लाज्म हो गया. और फिर आपको सेंटर में क्या दिखेगा? न्यूक्लियस, ठीक है ना. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मिल जाएगा. तो ये सारे पार्ट्स तो आपको बड़े कॉमन दिखाई देंगे, मतलब कॉमन पार्ट्स हैं जो आपको हर सेल में देखने को मिलने वाले हैं. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना. तो क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेल को अलग करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. ऑफ सम मटेरियल, ठीक है ना. कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने देती है, कुछ को सेल के बाहर जाने देती है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल. और कुछ मूवमेंट, कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं जिनको ये बाहर नहीं जाने देती, या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको ये बाहर से अंदर नहीं आने देती. तो इसका मतलब ये क्या कर रही है? सिलेक्शन कर रही है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डूइंग सिलेक्शन. सो वी कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इसीलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, बिकॉज ये सिलेक्शन करती है किस मटेरियल को बाहर जाना है, किसको अंदर आना है और किसको नहीं आना है, ठीक है ना. अब ये मूवमेंट कैसे होते हैं, किस प्रकार, कौन से मैकेनिज्म से होते हैं? हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन टू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, है ना. कैसे ये बाहर जाते हैं, कैसे अंदर आते हैं? तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं गैस का, ठीक है ना. गैसेस, तो गैसेस में एग्जाम्पल लेते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, बिकॉज ये गैसेस हमारे बॉडी में आसानी से मूव करती हुई हमको दिखाई देंगी. हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिकॉज हमें क्या करना होता है? रेस्पिरेशन करना होता है, ठीक है ना. और रेस्पिरेशन में फिर क्या जनरेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो बॉडी से बाहर जाता है. तो ये गैसेज जो होती हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आती हैं या उसके बाहर जाती हैं. कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूज़न से. तो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. तो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन के लिए आपको यहाँ से, आप ठीक है ना, यहाँ से देखें यहाँ तक, ये हो जाएगा डेफिनेशन. व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? इट इज़ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो. तो अचानक से होने वाला एक ऐसा मूवमेंट है डिफ्यूज़न, जो कि किसी भी सब्सटेंस को हाई कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ ले जाएगा. तो मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं.
सपोज एक रूम में हम दिस इज़ अ रूम, ठीक है, इस रूम में अगर हम कुछ कोई फ्रेग्रेंस है, कोई सुगंध है, ठीक है ना, जैसे सपोज इंसेंस स्टिक है, उसका स्मोक यहाँ पर एक कोने पर रूम के रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा स्मोक है, धुआं इंसेंस स्टिक का एक पार्ट पर, यानी पार्ट ए ऑफ द रूम यहाँ पर रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जो स्मोक है इट विल गो टू द पार्ट बी ऑल्सो, या जो स्मेल है वो आपको पार्ट बी पर भी आकर के आपको इनहेल करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी वो फ्रेग्रेंस आ गया है, वो सुगंध आ गई है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन, बिकॉज जनरेट कहाँ पर हो रहा है, ये जो स्मोक है धुआं जनरेट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो उसके बाद फिर वो अपने हाई कंसेंट्रेशन से अपने लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, एंड सो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिक्विड में लेते हैं इस एग्जाम्पल को। सपोज एक बीकर है हमारे पास, ठीक है ना, इस बीकर में एक अलग कलर ले लेते हैं बीकर का, रुकिए, सपोज वी हैव अ बीकर, दिस इज द बीकर, ओके, बीकर होता है कांच का बर्तन, ग्लास के जैसा, ठीक है, इस बीकर में हमने भरा हुआ है वाटर, पानी भरा हुआ है इसमें, वी हैव वाटर इन द बीकर, इसकी बाउंड्री दोबारा से क्लियर कर देते हैं, बीकर की, दिस इज द बीकर एंड वाटर इज प्रेजेंट इन द बीकर। तो क्या हुआ, आपने उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दिए, सपोज आपने उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, ये रहा कॉपर सल्फेट, तो होगा क्या, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद आप देखोगे धीरे धीरे ये जो कॉपर सल्फेट है इट विल मूव बाय डिफ्यूजन टू वेरियस पार्ट्स, ये डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा पानी में, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा वाटर है इसका कलर चेंज हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, इट विल टर्न ब्लू, पूरा का पूरा वाटर ब्लू हो जाएगा कुछ समय बाद। ऐसा क्यों हो गया, इट इज़ बिकॉज द कॉपर सल्फेट इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन इन द वाटर, तो ये कॉपर सल्फेट डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया अगला, है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है डिफ्यूज़न, कहाँ पे हो रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड इन द बॉडी, है ना, विच इज़ अ सेल्युलर वेस्ट, तो जब भी आप रेस्पायर करते हो, रेस्पिरेशन करते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है जो कि वेस्ट है और जिसको बॉडी से बाहर जाना चाहिए, उसको बॉडी से बाहर जाना है, ठीक है, और ये सेल के अंदर बहुत हायर कंसेंट्रेशन में होने लग जाएगा। जैसे सपोज हम एक सेल बना देते हैं, दिस इज अ सेल सपोज, ठीक है, इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है, सपोज ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है सेल के अंदर, तो अब इसको कहाँ जाना चाहिए, सेल से बाहर जाना चाहिए, तो ये कौन से प्रोसेस से जाएगा, डिफ्यूजन से जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे देखो आगे, एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही चला जा रहा है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो डिफ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर जाता हुआ दिखाई देगा आपको डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न व्हेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। आपको सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है ना, सेल रेस्पिरेशन कर रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। अब रेस्पिरेशन के टाइम पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी सेल के अंदर। अब सेल के बाहर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, क्यों, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स जो हैं
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही हैं, ऐसे ब्लड को लेकर के आ रही हैं जिसमें ऑक्सीजन हाई है। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम द ब्लड टू द सेल, ब्लड से सेल में ऑक्सीजन आने लग जाएगा। तो डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ को हो रहा है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का जो मूवमेंट है वो होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना।